हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके स्किन में दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन हो गई है, झाइयाँ हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और क्लियर स्किन मिलेगी। और इस रेमेडी को बनाना बहुत ही इजी है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, आपकी स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की हमें इस DIY इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग डार्क स्पॉट्स रिमूवल रेमेडी को बनाना किस तरीके से है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक क्लीन बोल लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल स्किन से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयों की प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून पोटैटो जूस यानी आलू का रस। आलू का रस दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, टैनिंग हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास आलू का रस आपको सूट नहीं करता है या फिर नहीं है तो आप इसमें टमाटो जूस भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर ऐड कर लीजिए यानी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट ना तैयार हो जाए। ये आपके फेस पर आपको इसे एक एज अ फेस पैक यूज़ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, नेचुरल हैं, इफ़ेक्टिव हैं, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है और इसे आप कम से कम 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप बाहर भी इसे 1 वीक तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हमारा DIY डार्क स्पॉट्स रिमूवल रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसे यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसे डेली रात को यूज़ करेंगे तो आपको और भी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे आप इसे दिन में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि आपके फेस से डस्ट डर्ट रिमूव हो जाए। और उसके बाद आप ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये पैक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। सारे ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, टैनिंग, झाइयाँ, सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। अगर आप इसे रात को अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करने के बाद अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। आप इसे डे में भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। रात को यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इसके। आप इसे ओवरनाइट अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे पूरी रात भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं और सुबह अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप इसे दिन में यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लीजिए और उसके बाद इसे प्रॉपर अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसके पहले ही यूज़ से आपको आपकी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो गई है। साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील करती है, फटी फटी लगती है, ग्लो चला जाता है फेस का। तो आप इस रेमेडी को ट्राई करोगे तो सर्दियों के मौसम में भी आपकी स्किन ग्लोइंग वाइट एंड ब्राइटन लगेगी, शाइनी लगेगी। तो देखिए, इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है और साथ ही साथ मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रही है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रही है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी, दाग धब्बे, एक्ने पिंपल्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।